लॉकडाउन में आपने हमेशा ही एक्ट्रेस की खूबसूरती और दमदार एक्टिंग को जाना है, और जब भी ये बड़े पर्दे पर आती हैं तो हमेशा ही अपनी फिटनेस को लेकर तो कभी अपनी दमदार एक्टिंग को लेकर छा जाती हैं। फैंस अक्सर इन एक्ट्रेस की फिल्मों का इंतजार करते हैं। बड़े पर्दे पर कई ऐसी सुपरहिट फिल्में आई हैं जिनके लिए सेलिब्रिटीज जाने जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए फिल्मों में उस पुराने दौर की, जिस दौर में ऐसी कई एक्ट्रेस आईं लेकिन आज लाइमलाइट से दूर हो गई हैं। बता दें आपको कि हम बात करने जा रहे हैं 90 के दशक की एक और ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में, जिनका नाम है आयशा जुल्का। जब बड़े पर्दे पर आयशा जुल्का आती थी तो उनकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना हो जाया था। तो चलिए आपको बताते हैं आयशा जुल्का की जिंदगी के बारे में। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज, और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। दर्शकों, आपको बता दें कि आयशा जुल्का पूरे 47 साल की हो चुकी हैं। ऐसे में अगर बात की जाए उनके प्रोफेशनल करियर की तो बेहद ही शानदार रहा उनका फिल्मी करियर, लेकिन बाद में कुछ ऐसा भी हुआ कि वो फिल्मों से दूरी बनाती हुई नजर आईं। जी हाँ, उन्होंने फिल्मों में कई ऐसे सीन्स दिए जिसकी वजह से उनका फिल्मी सफर धीरे धीरे खत्म होता चला गया, और आज फिल्मी दुनिया से दूर है लेकिन उनकी उस दमदार एक्टिंग को लोग याद करते हैं। उनकी उन सुपरहिट फिल्मों को जब भी देखते हैं तो वाकई में उनकी दमदार एक्टिंग और खूबसूरती लोगों के दिलों में आज भी बरकरार है। आज के दौर में आयशा जुल्का कैसी जिंदगी जी रही है, लाइमलाइट से दूर है लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ आखिरकार सुर्खियों में कैसे आई, किस तरीके से आयशा जुल्का अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रही, ये आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए कि किस तरीके से आयशा जुल्का अपनी पर्सनल लाइफ के चलते लाइमलाइट में बनी रहती थी, और शायद कहीं ना कहीं ये पर्सनल लाइफ उनके बीच में, उनकी फिल्मी करियर के बीच में प्रभावित करती हुई तो नजर आई, लेकिन फिल्मी करियर खत्म हो गया और बाद में लाइमलाइट से दूर हो गई और अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से जी रही हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आयशा जुल्का की जिंदगी की वो बातें जिसके जरिए आप जानेंगे कि लाइमलाइट से दूर आयशा जुल्का किस तरीके की जिंदगी जी रही हैं और आखिरकार क्या हुआ था कि वो धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बनाती हुई नजर आईं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस में से एक गिनी जाती हैं आयशा जुल्का। फिलहाल लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं आयशा जुल्का की पर्सनल लाइफ के बारे में। बता दें आपको कि आयशा जुल्का आज पूरे 47 साल की हो चुकी हैं, लेकिन लाइमलाइट से दूर हैं। आखिर क्या वजह थी कि वो धीरे धीरे लाइमलाइट से दूर होती चली गईं? बता दें आपको कि आयशा जुल्का का जन्म हुआ था 28 जुलाई जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। 1972 में इनका जन्म हुआ तो वहीं इंडस्ट्री में जब वो आईं तो छा गईं। उन्होंने ना सिर्फ और हिंदी फिल्मों में काम किया बल्कि उड़िया, कन्नड़ और तेलुगु जैसी फिल्मों में भी काम किया। अपने एक्टिंग के करियर में कई सुपरहिट बड़ी फिल्में दी उन्होंने, जिनमें से कुर्बान, जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी, दलाल, बलमा, वक्त हमारा है, रंग, संग्राम, मेहरबान, मासूम जैसी कई फिल्मों में काम किया और अपनी अलग अलग पहचान बना डाली। जी हाँ, हर रोल में ढल जाया करती थी आयशा। जब पर्दे पर आती थी तो उनकी खूबसूरती से हर कोई दीवाना हो जाता था। आयशा ने अपने करियर में कई बड़ी सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। उन्होंने अक्षय कुमार, अजय देवगन, आमिर खान, सलमान खान ऐसे कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया। वहीं आपको ये भी बता दें कि हमेशा ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही थीं आयशा, तो वहीं दूसरी ओर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी वो सुर्खियों में बनी रहीं। बता दें आपको कि जब 1992 में उनकी फिल्म अक्षय कुमार के साथ आई खिलाड़ी, तब उस दौरान अक्षय कुमार के साथ वो इस फिल्म में बतौर को एक्ट्रेस के तौर पर नजर आईं। ये फिल्म पर्दे पर जबरदस्त हिट हुई थी, रातों रात दोनों ही स्टार बन चुके थे और बड़े पर्दे पर इस जोड़ी को बेहद ही पसंद किया जाने लगा था। दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी जब ऑफ स्क्रीन भी लोगों को नजर आई तो लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। जी हाँ, फैंस को इन दोनों की जोड़ी काफी पसंद आ रही थी। वहीं इन दोनों को लेकर ये खबरें आने लगी कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इन दोनों के रिश्ते की चर्चाएं होने लगी थी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और दोनों अलग हो गए। दूसरी ओर अगर बात करें आयशा की, तो आयशा ने
अक्षय कुमार का साथ छोड़ दिया था, ये रिश्ता खत्म हो गया था। लेकिन बाद में उनके साल 1993 में फिल्म आई मिथुन चक्रवर्ती के साथ दलाल। फिल्म के साथ ही दोनों के अफेयर की चर्चाएं शुरू हो गईं। आपको बता दें कि फिल्म में काफी बोल्ड सीन भी दिए गए और आयशा जुल्का जहां पर अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थीं, तो वहीं दूसरी ओर आयशा जुल्का की फिल्मों में ऐसे सीन देने की वजह से मामला बहुत हद तक आगे पहुंच गया था। ऐसे में उनका फिल्मी करियर खत्म होने वाला था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके बाद साल 2003 में उनकी फिल्म आई नाना पाटेकर के साथ फिल्म आंच। इसमें भी कई सीन्स ऐसे थे जिसकी वजह से आयशा फिर से चर्चाओं में आ गई। और वहीं अगर बात की जाए नाना पाटेकर और आयशा की, तो इन दोनों की खबरें भी किसी से छुपी नहीं है। बता दें आपको कि जब एक्टर नाना पाटेकर और एक्ट्रेस मनीषा कोइराला दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तब दोनों को कई बार साथ देखा गया था। उनका रिश्ता अच्छा चल रहा था। वहीं मनीषा ने नाना के लिए अपने प्यार के लिए सब कुछ खुलेआम खुल्लम खुल्ला कहा था। वो नाना से प्यार करती थी लेकिन नहीं जानती थी कि उनका रिश्ता किस ओर जा रहा है। दरअसल नाना की जिंदगी में आयशा की एंट्री हो गई थी और एक दिन मनीषा कोइराला ने नाना और आयशा को साथ देखा, जिसके बाद वो काफी निराश हो गई। खबरों के मुताबिक ये भी सामने आया कि दोनों ने साथ रहकर अपने रिश्ते को ऑफिशियल भी कर दिया था। बता दें कि आयशा और नाना ने साथ में फिल्म में काम किया, तो वहीं जिसके चलते वो लगातार चर्चा में बनी रही। लेकिन ये रिश्ता भी खास नहीं चल पाया। जहां एक ओर मनीषा और नाना पाटेकर का ब्रेकअप हुआ, तो वहीं कुछ समय के बाद आयशा और नाना पाटेकर का रिश्ता भी खत्म हो गया। और ऐसे में आयशा जुल्का की जिंदगी से जुड़े ऐसी कई बातें सामने आती रहीं। लेकिन अगर हम बात करें आयशा जुल्का की, तो साल 2003 में उन्होंने बिजनेसमैन समीर वासी से शादी कर ली और आज वो लाइमलाइट से दूर हैं। अपनी जिंदगी बेहद ही अच्छे तरीके से जी रही हैं अपने पति के साथ। अक्सर उन्हें समीर वासी के साथ इवेंट्स में देखा जाता है और वहीं ये जोड़ी बेहद ही खूबसूरत दिखती है। आज के दौर में लाइमलाइट से दूर हैं आयशा। उन्होंने अपने 27 साल के करियर में करीब 52 फिल्में बॉलीवुड को दी और महज 11 साल की उम्र में 1983 में फिल्म आई थी कैसे कैसे लोग, और इतनी कम उम्र से उन्होंने फिल्मों में डेब्यू किया। लेकिन आज लाइमलाइट से दूर है। आज के समय में आयशा की उम्र पूरे 47 साल की हो चुकी है। चार्म अभी भी बरकरार है। दरअसल आयशा जुल्का आज भी खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन उम्र ढलने के साथ साथ खूबसूरती इतनी बरकरार नहीं रहती है जितनी पहले होती है। उनका वो चार्म आज भी बरकरार है। जब भी उनकी सुपरहिट फिल्में देखी जाती हैं, तो लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते हैं। उनकी मनमोहक सी स्माइल लोगों के दिलों में बसी हुई है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए आयशा जुल्का की जिंदगी के बारे में वो पहलू जिनसे आप शायद ही अनजान होंगे, और बहुत लोग उनके बारे में इन बातों को जानते भी होंगे। बता दें आपको कि आयशा जुल्का की पर्सनल लाइफ काफ़ी सुर्खियों में रही थी, जिसके लिए वो काफ़ी जानी जाने लगी थी। लेकिन अगर बात की जाए उनकी फिल्मी सफ़र की, तो बेहद ही शानदार रहा। उन्होंने 27 साल के करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी और आज भी उनकी फिल्मों को जब भी देखा जाता है, तो लोग वाकई में उनकी फिल्मों को आज भी देखते हैं। बात की जाए आमिर खान के साथ आई फिल्म जो जीता वही सिकंदर की, तो आज भी उस फिल्म को बहुत ही याद किया जाता है। उस फिल्म में आमिर खान के साथ आयशा जुल्का की केमिस्ट्री को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इतना ही नहीं, उनकी जोड़ी अक्षय कुमार के साथ भी काफ़ी पसंद की गई। जैसा कि हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताया कि अक्षय कुमार के साथ जब वो बड़े पर्दे पर नजर आई, तो इस जोड़ी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। ऐसे में आयशा जुल्का ने फिलहाल तो फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन जब भी वो कहीं देखी जाती हैं, स्पॉट की जाती हैं अपने पति के साथ, तो वाकई में उनकी खूबसूरत सी स्माइल को देखकर आज भी लोग दीवाने बन जाते हैं। आयशा जुल्का की उम्र इतनी हो चुकी है, लेकिन खूबसूरती कहीं ना कहीं आज भी बरकरार है। वेल, आप क्या कहते हैं आयशा जुल्का को लेकर, ये आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।